बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु बुधवार को पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। वहीं इस महासेतु के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूटकर रह गया। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसी मामले में नीतीश सरकार पर विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए तंज भी कसा। 29 दिन के भीतर पुल ध्वस्त होने को लेकर जबरदस्त प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, 8 वर्ष में 264 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश जी उद्घाटन उन्होंने किया और आज 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त भी हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी दिखाई है। देख सकते हैं, अगर पानी का इतना प्रेशर रहा इतने की तो उनके चूहे शराब पी जाते हैं। आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले ही 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था और ताश के पत्तों की तरह धराशाही हुए पुल ने सुशासन सरकार के लूट खसूट के सभी दावे खारिज करके रख दिए। 70 घाट पुल का रास्ता है, ये 70 घाट पुल का रास्ता है। एक महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये एक महीना उद्घाटन हुआ हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। ये अभी एक महीना पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि 70 घाट पुल का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। इसमें बहुत बड़ा गमन हुआ है, यहाँ के जनता को ठगा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अब ट्वीट किया है और अच्छा खासा तंज सरकार पर कसा है। 263 करोड़ से 8 साल में बना लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और ना ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पथ निगम पर कोई कार्रवाई होगी।